ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला विद अनइक्वल इंटरवल्स. लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला विद अनइक्वल इंटरवल्स. ठीक है, लैग्रेंजेस फार्मूला क्या कहता है कि सपोज वी आर हैविंग दीज फंक्शन जो हम ले रहे हैं f ऑफ x नॉट f ऑफ x1 अप टू f ऑफ xn बी द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x कोरिस्पोंडिंग टू द आर्टिकल आर्गुमेंट्स x0, x1, x2 अप टू xn एंड दोज आर नॉट नेसेसरली इक्वली स्पेस्ड बिकॉज दिस लैग्रेंजेस फार्मूला इज फॉर अनइक्वल इंटरवल्स. सो दिस मे बी इक्वल और दिस मे नॉट बी इक्वली स्पेस्ड. ओके, सपोज नाउ वी आर हैविंग दिस Pnx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ इन x, x में पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n. ठीक है, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन. सपोज कर लो, एज्यूम कर लो दिस इज ए पॉलिनोमियल, देन दिस पी एन ऑफ दिस पी एन एक्स कैन बी डिफाइंड एज दिस इज इक्वल टू ए नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू अप टू एक्स माइनस एक्स एन प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू. ठीक है, एक्स माइनस एक्स थ्री अप टू एक्स माइनस एक्स एन. ठीक है, प्लस इसी तरह से आप लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन. वन वाली टर्म नहीं होगी बस इसमें, इसमें जीरो वाली नहीं है, इसमें वन वाली नहीं है, इसमें एन वाली नहीं होगी. ठीक है, एक्स माइनस एक्स टू अप टू एक्स माइनस वन, क्योंकि एन वाली टर्म नहीं है. सपोज दिस पी एन एक्स इज इक्वल टू दिस, वेयर दीज एज आर द कॉन्स्टेंट्स, वेयर दीज एज आर द कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, एंड वी डिटरमाइन दिस एन प्लस वन कॉन्स्टेंट्स. अब हम एन प्लस वन, कौन से एन प्लस वन है, एक दो ए नोट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इनको फाइंड आउट करेंगे, इन कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करेंगे और इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू यहां पुट करेंगे. सो वी गेट द लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला. ओके, सो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन को विच आर द एन प्लस वन आर्गुमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो दैट वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज आर दीज कॉन्स्टेंट्स सो दैट पी एन पी एन एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट. ठीक है, पी एन x1 is equal to f of x1, Pn xn is equal to f of xn and so on. ठीक है, now to determine a naught, put x is equal to x naught, put x is equal to x naught and you will get this Pn x naught is equal to this. ठीक है, so that f of x naught क्या बनेगा आपके पास. ठीक है, This will be your a naught, क्योंकि हमने क्या कर दिया, x को x naught पुट कर दिया, x को x naught पुट कर दिया, बाकी टर्म्स वैनिश हो गई, हमारे पास क्या बचा, f of x naught is equal to a naught into x naught minus x1, x naught minus x2 up to x naught minus xn. ठीक है, यानी यहां से अगर आप a naught को बाहर निकालते हो, so your a naught will be f of x naught divided by x naught minus x1, x naught minus x2 up to x naught minus xn. Right? Similarly, you can find out the value of a1. इसी तरह से आप वैल्यू निकाल लोगे a1 की, इसी तरह से आप वैल्यू निकाल लोगे a1 की. ठीक है, a1 क्या हो जाएगा, f of x1 x1 minus x0 x1 minus x2 up to x1 minus xn. Similarly a2, similarly a3, similarly आपके पास वैल्यू आ जाएगी an की, which is f of xn xn minus x0
एक्स एन माइनस एक्स वन अप टू एक्स एन माइनस वन. नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ a नॉट a वन a टू अप टू a n इन द इक्वेशन ऑफ दैट पॉलिनोमियल पी एन ऑफ एक्स जो हमने पहले लिखी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इनकी वैल्यूज को अगर मैं वहां पुट करती हूँ, सभी वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में जहां मैंने डिफाइन किया है पी एन एक्स, तो आपके पास ये बन जाएगा पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू अप टू एक्स माइनस एक्स एन एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू अप टू एक्स नॉट माइनस एक्स एन इन टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन नहीं आएगा ना इसमें, अब एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री अप टू एक्स माइनस एक्स एन डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स टू अप टू एक्स वन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x1, x minus x3, x minus xn divided by x2 minus x1, x2 minus x0 minus x1 or x2 minus x3 up to x x2 minus xn okay? into f of x2. ठीक है, इसी तरह से आप लास्ट लिखेंगे तो x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स एन अप टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन. ठीक है, और नीचे आपके पास n वाली टर्म नहीं होगी और f ऑफ एक्स एन आएगा. राइट, दिस इज द लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला. ये आपके पास लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला है, प्लस आपने nth टर्म भी इसके लिए लेनी है, f ऑफ एक्स एन वाली टर्म भी नोट करनी है. ठीक है, दिस इज लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला. राइट, दिस इज लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला विद अनइक्वल इंटरवल्स है. ठीक है, अगर हमारे पास इसी का आर्टिकल आप 2.4.2 ऑन पेज 61 पे करेंगे, सो वहां पे उसने कहा है कि इफ लैग्रेंजेस फार्मूला इंटरपोलेशन फार्मूला इज फॉर इक्वल इंटरवल्स, तो उसमें आपके पास आर्गुमेंट्स इक्वली स्पेस्ड हो जाएंगे, इक्वली स्पेस्ड हो जाएंगे, तो आप x की वैल्यू को x0 plus sh पुट कर देना. ठीक है, वेयर s कैन टेक एनी वैल्यू 1 टू n, तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा दैट इज योर लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला विद इक्वल इंटरवल्स. ठीक है, उसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसका पर्टिकुलर केस ही ऐसे बताना है. ठीक है, सो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी तक आपने एक से चार जो एग्जाम्पल न्यूटन्स फार्मूला के बेस पर एग्जाम्पल्स किए थे, अब आपने यहां से एग्जाम्पल नंबर सिक्स मीन्स फिफ्थ सिक्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स भी करने हैं लैग्रेंजेस के बेस पे, सेवन एट नाइन. तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दिस लैग्रेंजेस फार्मूला. तो ये आपने 11 एग्जाम्पल जो हैं ये पूरे करने हैं. ठीक है, 11 एग्जाम्पल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू आफ्टर दिस.